The question number 9 and question number 10 of chapter limits and derivatives of class 11th. Today we will solve these questions. यहाँ पे हम इसको सोल्यूशन करेंगे बेटा. यहाँ पे क्वेश्चन लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड सी एक्स प्लस वन. तो आपको क्या करना होगा बेटा, जहाँ पे आपका एक्स होगा इस फंक्शन में वहाँ पे आपको ज़ीरो लिमिट देना होगा. तो वहाँ वहाँ पे आपको ज़ीरो लगाना होगा. ज़रा देखो बेटा, यहाँ पे ए इंटू यहाँ पे एक्स है तो ज़ीरो आएगा प्लस और साथ में बी है डिवाइडेड बाय ये सी बेटा, एक्स के बदले ज़ीरो और प्लस वन आएगा. देखो बेटा यहाँ पे ए ज़ीरो ए इंटू ज़ीरो हो गया ज़ीरो बेटा प्लस बी डिवाइड बाई सी इंटू ज़ीरो हो गया ज़ीरो प्लस वन. तो यह आ जाएगा बी डिवाइडेड वन हो गया बेटा बी. तो हम कह सकते हैं बेटा लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस वन इज इक्वल टू बी. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. And very easy. Now, after this, we have the second question number 10. Let me wrap this first. Question number 10. देखो बेटा यहाँ पे क्या है, पहले हम लिमिट अप्लाई, मैंने आपको बोला कि जो लिमिट दिया गया होता है पहले उसको अप्लाई करो. जब हम सोल्यूशन में लिखेंगे ऐसे लिमिट एक्स टेंड्स टू वन जेड रेज पावर वन बाई थ्री माइनस वन डिवाइडेड बाई जेड रेज पावर वन बाई सिक्स माइनस वन, तो पहले हम लिमिट को अप्लाई करेंगे. देखो बेटा यहाँ पे लिमिट जेड टेंड्स टू वन है, तो जहाँ पे आपका जेड होगा वहाँ पे हम वन लिखेंगे बेटा. वन डिवाइडेड बाई थ्री, यहाँ पे माइनस वन, यहाँ पे जेड है तो लिखेंगे पावर है वन डिवाइड बाई सिक्स माइनस वन. देखो बेटा वन का कुछ भी पावर हो तो वन ही आएगा, और माइनस वन है और वन का पावर बेटा वन ही आएगा माइनस वन. तो ये आ जाएगा बेटा आपका ज़ीरो डिवाइड बाय ज़ीरो फॉर्म. तो इसको हम बोलते हैं बेटा इनडिटर्मिनेट फॉर्म. इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जब आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है बेटा, मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि हम कुछ रूल्स यूज़ करते हैं जिससे हम इस लिमिट का फिर वैल्यू निकालते हैं. अब देखो बेटा यहाँ पे ये थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन है. यहाँ पे पावर बेटा रेशनल नंबर्स है. देखो बेटा जब आपके पावर रेशनल नंबर होते हैं तो हम क्या करते हैं बेटा, जो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर हैं उनका एलसीएम लेते हैं. तो यहाँ पे देखो बेटा थ्री एंड सिक्स हैं, तो हम इसको इसका क्या लेंगे बेटा, हम इसका लेंगे बेटा एलसीएम. देखो बेटा एलसीएम ऑफ थ्री एंड सिक्स, एलसीएम ऑफ थ्री एंड सिक्स. देखो बेटा कैसे निकालते हैं थ्री और सिक्स. थ्री वन हज़ार, थ्री टू हज़ार. टू वन का नहीं है, नीचे आएगा टू वन हज़ार टू, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा टू थ्री हज़ार थ्री इंटू टू आ जाएगा सिक्स. तो हम कहेंगे बेटा एल सी एम ऑफ थ्री एंड सिक्स इज सिक्स. तो यहाँ पे जो हम मेथड यूज़ करेंगे बेटा, यहाँ पे हम रूल कौन सा यूज़ करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रूल. यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, हम करें यहाँ पे नाउ. तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे जेड, यहाँ पे क्या है बेटा लिमिट जेड टेंड्स टू वन. तो अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रूल यूज़ करेंगे. हम क्या करेंगे बेटा, हम करेंगे पुट पुट जेड इक्वल टू वाई, और जो आपका यहाँ पे एलसीएम आ गया इन दोनों का वो लेंगे बेटा यहाँ पे पावर. तो हम क्या करेंगे पुट जेड इक्वल टू वाई रेज टू पावर सिक्स, ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. और फिर आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा बेटा, जब हम सब्स्टिट्यूट में रूल यूज़ करते हैं बेटा फिर लिमिट भी चेंज होता है. देखो बेटा एज जेड टेंड्स टू वन, जहाँ पे आपका जेड होगा वहाँ पे वन दे दो बेटा, वन इक्वल टू वाई रेज पावर सिक्स. इसका मतलब क्या है बेटा, वाई रेज पावर सिक्स किसके बराबर आएगा, वन के बराबर. इस सिक्स को यहाँ पे ले आओ तो सिक्स पावर ऑफ वन रहेगा बेटा ये ऐसे ही. तो मैं इस वन को सिक्स लगा सकता हूँ क्योंकि सिक्स टाइम्स वन भी हो गया वन, सिक्स और सिक्स रूट कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो वाई इक्वल टू वन के बराबर आएगा. तो लिमिट यहाँ पे चेंज होगा. अब जेड के बदले क्या लिखेंगे बेटा, लिमिट y टेंडर्स टू वन, क्योंकि y किसके बराबर आ गया वन के बराबर. और जार के बदले हमें क्या लिखना है बेटा, y रेज पावर सिक्स, लेकिन बाहर क्या है बेटा ऊपर वन रेज पावर थ्री पावर है, और साथ में है बेटा माइनस वन डिवाइड बाय इस जार के बदले बेटा y रेज पावर सिक्स. यहाँ पे लिया है बेटा, और पावर क्या है ऊपर वन डिवाइडेड बाय सिक्स, और साथ में लिखेंगे बेटा माइनस वन. अब देखो बेटा थ्री वन हज़ार, थ्री टू हज़ार, ये सिक्स और ये सिक्स कैंसल होगा. लिमिट y टेंड्स टू वन, y रेज पावर टू माइनस वन डिवाइडेड बाय y माइनस वन आएगा, है ना ठीक बेटा. अब देखो बेटा
यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, इस वन को मैं लगा सकता हूँ बेटा स्क्वायर ही, कोई फर्क पड़ेगा इससे कुछ भी नहीं, क्योंकि वन वन जार होता है बेटा वन ही। देखो हम लिखेंगे लिमिट y टेंड्स टू वन, यहाँ पे हम यो थॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं बेटा, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज पावर n माइनस a रेज पावर n डिवाइड बाई x माइनस a, वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम फैक्टोराइज भी कर सकते हैं, जो आपको सही लगे आप यूज़ कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे फैक्टोराइज यूज़ करूँगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा बेटा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वन माइनस वाई इंटू वाई प्लस वन ऐसे आएगा बेटा, डिवाइडेड बाई y माइनस वन यूज़ करोगे बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखो ये और ये हो जाएगा बेटा कैंसल। अब लिमिट अप्लाई करो बेटा, जहाँ पे आपका y होगा वहाँ पे आपको वन देना, तो आ जाएगा वन प्लस वन, तो क्या आ जाएगा बेटा टू, और ये टू आपका आंसर होगा यहाँ पे। क्लियर, शाबाश। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11, एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स टेंड्स टू, यहाँ पे बुक है बेटा, अब हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर बेटा 11, तो इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा। जहाँ पे आपका एक्स होगा वहाँ पे आपको वन लगाना है बेटा, जहाँ जहाँ पे आपका एक्स होगा वहाँ पे आपको यूज़ करना है पहले वन। पहले हम इस लिमिट को अप्लाई करेंगे, देखो बेटा ए इंटू एक्स के बदले बेटा वन, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, प्लस बी जहाँ पे एक्स है वहाँ पे वन, और प्लस सी डिवाइडेड बाई सी, वन स्क्वायर प्लस बी, वन आएगा एक्स के बदले और ए आएगा बेटा। देखो यह आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि वन वन जार होता है वन ही, और यह आ जाएगा वन वन जार वन सी प्लस बी प्लस ए, तो यह आ जाएगा देखो बेटा ए प्लस बी प्लस सी, और ये भी बेटा ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी, ओपन नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा आंसर वन आ जाएगा आपका आंसर। तो इसके बाद ये वाला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है बेटा, सोल्यूशन लिखेंगे। तो मैंने बोला पहले लिमिट को अप्लाई किया करो, यहीं पर अप्लाई करेंगे बेटा, वन डिवाइडेड बाई एक्स के बदले बेटा माइनस टू, प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, और नीचे बेटा ये माइनस टू और प्लस आ जाएगा बेटा टू। देखो बेटा माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई टू आ जाएगा बेटा जीरो, और नीचे माइनस टू और प्लस टू और डिवाइड बाई आ जाएगा जीरो, ये आ जाएगा बेटा आपका जीरो बाई जीरो फॉर्म, दैट मीन्स इनडिटर्मिनेट फॉर्म। जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो हमें कुछ करना पड़ेगा इसका लिमिट निकालने के लिए बेटा, जैसे आपके पास रूल्स पता है बेटा। देखो बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस टू, पहले इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, टू वन इज आर टू प्लस एक्स वन इज आर बेटा एक्स डिवाइडेड बाई टू इंट एक्स आ जाएगा बेटा आपका टू एक्स, लेकिन फिर ये होल डिवाइड ये बेटा एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बेटा डिवाइड में वन। अब देखो बेटा लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस टू, या जाएगा बेटा टू प्लस एक्स को मैं लिख सकता हूँ बेटा एक्स प्लस टू, क्योंकि ए प्लस बी होता है बी प्लस ए, ये कम्यूटेटिव होता है बेटा, डिवाइडेड बाई टू एक्स, ये जो होगा बेटा ये वाला जो डिवाइड है बेटा ये चेंज हो जाएगा इनटू में, और इनका हो जाएगा बेटा रेसिप्रोकल, वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू। देखो बेटा यहाँ पे ऐसे ये एक्स प्लस टू और ये एक्स प्लस टू हो जाएगा बेटा कैंसल, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस टू, और यह आ जाएगा बेटा वन डिवाइड बाई टू एक्स। तो अब फिर से अप्लाई लिमिट करो बेटा, आप देखो देखो बेटा वन डिवाइड बाई टू और एक्स के बदले बेटा माइनस टू, बिल्कुल तो आ जाएगा वन डिवाइड बाई माइनस फोर, तो अब आखिर लिमिट आ गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस टू वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन डिवाइड बाई टू डिवाइड बाई एक्स प्लस टू इज इक्वल टू माइनस वन डिवाइड बाई फोर, यह है बेटा आपका आंसर।